कोई पूछेगा नहीं। हमने इन खानदानों को सियासत से हटा दिया है, ये पुरानी तंजीमें जो है ये गए। अरे नाव, अगर हम गए तो आपके इलेक्शन क्यों नहीं? अगर हम कहीं नहीं तो आप कहां? हिम्मत नहीं है इन बीजेपी वालों को के लोगों का मुकाबला सामना करें, है नहीं? इसलिए फिर इंतजामिया के पीछे छुप जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेते हैं। नहीं तो मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। अगर सारा कुछ बिल्कुल ठीक है तो 5 साल क्यों हो गए हमें अंडर गवर्नर रूल? क्यों हो गए? इसलिए तो मैं कहता हूं कि जो ये लिखते हैं और जो आंख के सामने हम देखते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। डरे हुए हैं ये बीजेपी वाले, इनको खुद पता है कि आज के दिन पर अगर असेंबली के इलेक्शन हुए, ये 10 का नंबर भी पार नहीं करेंगे। और अगर मैं गलत हूं तो इलेक्शन करके मुझे गलत साबित करिए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे सही और गलत होने का सबूत जो है या उसका जवाब सिर्फ आपको इलेक्शन में मिलेगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन आपने कराने ही कराने हैं, उसके साथ असेंबली के इलेक्शन भी कराने हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, जैसा होगा देखी जाएगी। लेकिन देखना, वो भी करने की हिम्मत नहीं रखते। उस वक्त भी छुपेंगे इंतजामिया के पीछे जिस तरह पिछले 5 साल से छुपते आए हैं। लेकिन हम घबराएंगे नहीं, हम मायूस नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे। हमारे इरादे सही हैं, हमारा मंजिल जो है सही है। अल्लाह ताला का साथ रहेगा, खुद ब खुद रास्ता जो है हमारे सामने साफ होगा। मैं कहा पूछते रहो, शुक्र है कभी कभी जाने अनजाने यही लोग हमारी मदद करते हैं। जहां पहले मेरे घर के गेट पे 3-3, 4-4, 5-5 लोग होते थे गेट की रखवाली करने के लिए, एक 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 करके उन्होंने एक ही बंदा वहां छोड़ा। मैंने जब देखा कि उसका ध्यान कहीं और था, मैंने जब देखा कि वो गेट की तरफ उसकी नजर थी नहीं, मैंने गेट का कुंडा उठाया और मैं फरार हुआ। अब अगर इन्होंने ये मेरे ऊपर मेहरबानी नहीं की होती, अगर कायदे के तहत इन्होंने वही 5-7 लोग रखे होते तो अगर एक का ध्यान इधर होता कहीं और, बाकी 4 तो गेट के तरफ देख रहे होते, मैं नहीं निकल पाता। शुक्र है एक ही बंदा रखा, उसकी नजर कहीं और मैं दफ्तर पहुंचा। कितने अफसोस की बात कि हम दुनिया भर में जमहूरियत की बात करते हैं। अमेरिका जाते हैं तो जमहूरियत, विलायत जाते हैं तो जमहूरियत, फ्रांस जाएंगे तो जमहूरियत। लेकिन जब वाकई जमहूरियत को जिंदा करना होता है तो होता नहीं। अब जैसे मेरे बाकी साथियों ने यहां कहा, आखिरकार 31 में जिन्होंने शहादत दी, किस लिए दी? शख्सी राज के खिलाफ, इंसाफ हासिल करने के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ,
यहां अपनी आजादी हासिल करने के लिए। बाकी मुल्क में जिन लोगों ने शख्सी राज के खिलाफ मुहिम चलाई हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हो, उनको आज भी श्रद्धांजलि पेश की जाती है, राजकीदत पेश की जाती है, पार्लियामेंट में याद किया जाता है। लेकिन यहां पे जिन लोगों ने उसी तरह का मुहिम चलाया, उनको जलील करने की कोशिश की जाती है। तेरा जुलाई हमारा कौमी दिन, बाजाबता वहां स्टेट फंक्शन होता था, वो रद्द किया। छुट्टी थी उस दिन, छुट्टी भी कैंसिल थी। चलिए, हुकूमत का अपना हक होता है, वो करे ना करे, लेकिन हम जैसे लोग जो वहां जाके कम से कम खिराज अकीदत पेश करते, हमें भी वहां जाने की इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि आज के हमारे जो हुक्मरान है वो सारे फैसले सिर्फ मजहब देख के करते हैं। हकीकत यह है कि 31 में जो लोग कुर्बान हुए वो मुसलमान थे और मुहिम चला रहे थे गैर मुसलमान के खिलाफ। यही सच्चाई है और इसलिए इन लोगों को यह हजम नहीं होता है। हकीकत यह है कि अगर 31 में शख्सी राज करने वाला मुसलमान होता और शहादत देने वाले गैर मुसलमान होते, आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनकी तस्वीरों पे फूल चढ़ा रहे होते। है यह हकीकत नहीं? यह सच्चाई है। तो उनको असूलों से कोई लेना देना नहीं, उनको सोच से कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि यह लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ, उस निजाम के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसको मजहब के तराजू में तोलते हैं। और क्योंकि वहां शहीदों के मजार पर मुसलमानों के कब्र है, लोगों के हाथों में वापस लौटा दिया जाएगा और हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम असूलों की लड़ाई लड़ते हैं। हम धोखा नहीं देते, हम उतना ही वादा करते हैं जितना हमें लगता है कि हम हासिल कर सकते हैं। जब 2019 का हुआ, बहुत दबाव आया हम पे, आप कुछ और करो, सड़कों पे उतरो, एहतजाज करो। अखबार वाले हमसे पूछते थे, आप लोग क्यों नहीं रस्ते बंद करते हो? हमने कहा उससे हमें नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए, हमें कानून का साथ लेना होगा, आईन का साथ लेना होगा, हमें जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी होगी। उस वक्त ये कहते थे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन लड़ाई की पहली ब्यूगल तो बज गई। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है और जजों ने कहा कि हम फौरी तौर इस पर सुनवाई जो है रोज बरोज करके इसको मुकम्मल करेंगे। अब भलाई है कि लोग कहेंगे अब अच्छी बात है, चलो शुरू हुआ। अब कुछ लोग कहते ना आज अचानक क्यों सुन रहे हैं, जब नहीं सुन रहे थे उस वक्त भी आप परेशान, अब जब सुन रहे हैं आज भी आप परेशान। तो ना वो इस तरफ से जीतते सकते हैं ना उस तरफ से। मैं मान के चल रहा हूं कि हमारा जो मौकफ है सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे ज्यादा मजबूत और दमदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ के उसमें
अच्छे से अच्छे वकीलों का इस्तेमाल करके इंशाल्लाह उसमें कामयाबी हासिल कर इंसाफ कर रहा है। फिर ये दुनिया भर में कहते हैं कि हिंदुस्तान में मजहबी भेदभाव नहीं। अरे मजहबी भेदभाव को हम साबित करके आपको दिखा रहे हैं। अगर आपके पास मेरी इस बात का जवाब है तो दे दीजिए। अगर मैं गलत हूं तो साबित करके दिखाइए कि मैं गलत हूं। ये मुझे एहसास हो रहा है जिसने कभी मजहबी सियासत नहीं खेली, कभी नहीं। मैं कभी मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगता, कभी जात बराबरी से बुनियाद पर मैंने लोगों को अलग करने की कोशिश नहीं की। जब मुझ जैसे बंदे को यह महसूस होना शुरू हो जाए तो बाकियों के दिलों पे क्या बीतती होगी कि हमारे जज्बातों की कोई कदर नहीं। कि हम जो सोचे सो सोचे, लेकिन हमें अपनी बात खुल के रखने की इजाजत नहीं। लेकिन कोई दिन हमेशा के लिए नहीं रहता। इंशाल्लाह जिस सक्षी राज के खिलाफ 31 में इन लोगों ने कुर्बानियां दी, आज एक तरफ से देखा जाए तो उसी तरह का सक्षी राज है। तो उससे बदतर या नहीं, 31 में तो मैं था नहीं, 31 में तो मेरे वालिद साहब भी पैदा नहीं हुए थे। शायद ही हम में से कोई है जो उस वक्त जिंदा था। तो मैं तो कम से कम ये नहीं कह सकता हूं कि वो दिन ज्यादा बदतर थे या ये थे, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि उस वक्त इसी तरह का निजाम था, आज भी उसी तरह का निजाम है।